समस्त प्रदेश व देशवासियों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह वर्ष ढेर सारी खुशी लेकर आए, अपने परिवार के लिए और पूरे देश के लिए, समाज के लिए खुशियों की लहर चले, ये मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिथौरागढ़ नगर से लगे कुमौड़ तिराहे पर साल के अंतिम दिन देर शाम एक डंपर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिस कारण कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भिड़ंत के कारण सड़क पर कई घंटे तक जाम लग गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। प्रभारी निरीक्षक बसंत पंत ने बताया कि कार चालक शराब पिया हुआ था, पुलिस ने एक्ट में उसका चालान किया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह द्वारा नववर्ष की पूर्व संध्या के आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शराब के नशे में वाहन चलाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए। नववर्ष पर जश्न के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। नशे में वाहन दौड़ाने व हुड़दंग करने पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। कंट्रोल रूम द्वारा सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जाएगी। रात 10 बजे बाद डीजे बजाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन आइडल में गायन के क्षेत्र में पूरे देश विदेश में सम्मान प्राप्त करने वाले पवनदीप राजन अपने माता पिता के साथ पूजा अर्चना करने अपने गृह क्षेत्र सल्लागांव आए हैं। इस दौरान उन्होंने गुना में कुछ खरीदारी की तथा लोगों से मुलाकात भी की। हिमालय मस्तक फाउंडेशन के अध्यक्ष बसंत भट्ट ने कहा कि पवनदीप राजन हमारे प्रदेश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। नववर्ष 2024 की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये नूतन वर्ष मंगलमय हो। सभी लोग सपरिवार स्वस्थ, सुखी व संपन्न रहें। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा चंपावत जनपद में एक नाबालिग से दुराचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धारचूला में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। नगर अध्यक्ष अश्विनी नपचाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। प्रदर्शन करने वालों में शामिल नंदा बिश ने कहा कि प्रदेश में दुराचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, शासन प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं रह गई। पौष माह के दूसरे रविवार को खड़कोट स्थित जितेंद्र तिवारी के आवास पर बैठ की होली का आयोजन हुआ। गायकों ने भक्ति रस पर आधारित होलियां गाई। कीजे कौन उपाय, भवन नहीं आए कन्हाई जैसी होलियों से देर रात तक भक्ति रस की गंगा बहाई गई। झूलाघाट में तैनात एसएसबी की 55वीं वाहिनी ने रविवार को मैत्री क्रिकेट मुकाबले का आयोजन कराया। मुकाबले के उद्घाटन असिस्टेंट कमांडेंट सिरिंग दोर्जे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। आयोजन का पहला मुकाबला एसएसबी झूलाघाट और झूलाघाट बाजार की टीम के बीच हुआ, जिसमें झूलाघाट की टीम विजय रही। दूसरा मुकाबला नेपाल सशस्त्र बल और झूलाघाट की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें झूलाघाट एसएसबी ने 82 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। फाइनल मुकाबला झूलाघाट और एसएसबी झूलाघाट के बीच हुआ। दोनों टीमों ने निर्धारित 10 ओवरों में 100-100 रन बनाए, मुकाबला टाई घोषित किया गया। सुपर ओवर में झूलाघाट की टीम विजय रही। नववर्ष के आगमन को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने को लेकर पिथौरागढ़ पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। नववर्ष आगमन के जश्न में शराब पीकर वाहन चलाने व लड़ाई झगड़ा हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 9 लोगों को पुलिस ने हवालात की सैर कराई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने व मिशन मर्यादा के तहत कुल 168 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस का अभियान जारी रहेगा। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त होने पर अपर उप निरीक्षक अभिसूचना रमेश चंद, फायरमैन भोपाल राम, आरक्षी नयन प्रकाश गोयल, दफ्तरी पूरन चंद्र जोशी को पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके सुखद जीवन की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी गई, साथ ही प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस जन मौजूद रहे। जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अंडर 17 एवं ओपन बालक वर्ग की जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 100 मीटर दौड़ में करण कुमार, 200 मीटर में ओम बुरफाल, लंबी कूद में ओम बुरफाल, गोला फेंक में कृष्णा पारकी, 400 मीटर में सुजल कुमार, 800 मीटर में चंद्र प्रकाश ने पहला स्थान प्राप्त किया।
सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।